मनाली में प्रशासन के द्वारा ग्रीन टैक्स के 25 करोड़ रुपए से अधिक बस स्टैंड का निर्माण एचआरटीसी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में मनाली में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण के लिए कार्य शुरू किया गया है, जिसमें ब्लू प्रोटेक्शन वॉल लगाई गई है। इसके अलावा आधुनिक बस स्टैंड निर्माण को लेकर टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। मनाली में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण होने से बाहरी राज्यों के पर्यटक को स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि इसके लिए बीएसएनएल के सिविल विंग को निर्माण का कार्य सौंपा है। आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण के लिए व्यास नदी के किनारे फ्लड प्रोटेक्शन दीवार लगाई गई है। आधुनिक बस स्टैंड में कैफेटेरिया, वेटिंग एरिया, शौचालय सुविधा सहित बसों की पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। हाली में जो वॉल्वो बस स्टैंड है, ये भी पिछले कई वर्षों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बरसात में वहाँ पे उस जगह की हालत बहुत ख़राब हो जाती थी, तो इसके लिए एक प्रॉपर DPR इस वहाँ पे फ्लड के हिस्टोरिक डेटा को देखते हुए DPR तैयार की गई, जिस DPR को जल शक्ति विभाग द्वारा भी उसकी वेटिंग करवाई गई और एक IIT से भी उस DPR की वेटिंग हुई है। तो ये लगभग 25 करोड़ की DPR है, जिसमें BSNL की सिविल विंग द्वारा काम किया जा रहा है और इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो है टूरिज्म काउंसिल के थ्रू और HRTC के थ्रू धन की व्यवस्था की गई है। और इसमें मेन पर्पस जो है वहाँ पे जो जितने भी हमारे टूरिस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं उनके लिए, जैसे ही वो मनाली पहुँचते हैं उनको प्रॉपर सुविधा वहाँ पे वॉशरूम और बैठने की, वेटिंग वगैरह की अच्छे से फैसिलिटी हो। प्लस जो बस स्टैंड है, मेन पर्पस वो फ्लड प्रोटेक्शन, जिसका काफ़ी काम हो भी चुका है, और फ्लड प्रोटेक्शन के साथ जो है वहाँ पे उसमें पेवरिंग करके उसको अच्छे तरीके से बनाया जाएगा और साथ में जो ये ऑफिस स्पेस वगैरह है उसको भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वहीं वॉल्वो बस ड्राइवर विजय ने कहा कि मनाली में वॉल्वो बसों को खड़े करने के लिए एक बड़ा बस स्टैंड का निर्माण करना चाहिए, जहां पर 500 से अधिक वॉल्वो बसों टैक्सियों के लिए एक अच्छी पार्किंग का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से आधुनिक बस स्टैंड निर्माण के लिए सिर्फ दीवार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अभी तक इस बस स्टैंड का निर्माण करने सिविल वर्क शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार को जल्द यहां पर एक अच्छा आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण करना शुरू करना चाहिए। मैं विजय बाबू दिल्ली से हूं, मैं वॉल्वो चलाता हूं और यहां पे ये जो पूरा ग्राउंड बना है इसको सरकार को और बड़ा करना चाहिए, क्योंकि यहां पे आज ना 250-300 गाड़ियां आती हैं। कभी कभी जैसे अभी मेरी क्रिसमस आया या 31st आया या अभी स्नोफॉल हो जाएगा तो इतना रश हो जाएगा कि कम से कम यहाँ पर 500 गाड़ी आती है। लेकिन हमने सुना है कि सरकार काम कर रही है इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन हमें तो अभी तक तो कुछ दिखा नहीं कि कुछ बढ़ाने के लिए कर रही है। सिर्फ ये वॉल लगी हुई है, ये तो इसको लगे हुए 6 महीने से ऊपर हो गया, 1 साल होने जा रहा है ये वॉल को लगे हुए। इसके अलावा और कोई काम अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ होना चाहिए। हमने सुना है कि यहाँ होगा, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। HRTC ये पीछे ट्रक पार्किंग, अगर ये तीनों पूरी एक कर दी जाए और पूरी बढ़ा दिया जाए, एक गेट एंट्री इधर से दे दी जाए, आगे से एग्जिट उधर से दे दिया जाए, तो बहुत अच्छा शेड्यूल हो जाए और बहुत अच्छा सिस्टम हो जाए यहाँ का वॉल्वो का। कम से कम 500 वॉल्वो आती है और 100 HRTC की बसें, ये सारा अगर मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन पता नहीं कब होगा, ये तो हमें भी नहीं पता जी। इतने सालों से को ये पता चला था यहाँ पे पत्थर बिछेगा, कंक्रीट बिछेगा, इधर वेटिंग हॉल बनेगा, लेकिन अभी 1 साल हो गया हमारे को यहाँ चलते देखते हुए, अभी तक ना तो यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, डस्ट उड़ती है, एलर्जी होती है लोगों को, प्रॉब्लम होती है, ना ही वेटिंग हॉल है। बाहर की पैसेंजर आते हैं, साउथ इंडियन पूरे इंडिया का आता है, ना तो वेटिंग हॉल है, ना यहाँ पे धूल मिट्टी में उड़ता है, मतलब अभी तक कोई भी सुविधा नहीं है। हम ये चाहते हैं सरकार से, जो भी ये सरकार है, कि इस सरकार को जो भी करना चाहिए जल्दी से करना चाहिए, क्योंकि अभी ये देखो फरवरी और मार्च, अप्रैल मार्च के बाद में यहाँ पे इतना रस पड़ जाएगा, इतना रस पड़ जाएगा कि शायद है यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ लगती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। रोड पे गाड़ियाँ क्यों लगवा रहे हो जब आपके पास जगह है? तो जगह में बनाओ ना इसको, पार्किंग को जल्दी से, ताकि यहाँ पे वॉल्वो बसें गाड़ियाँ खड़ी हो जाए। तो हम तो सरकार से यही विनती करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ की व्यवस्था अच्छी करी जाए और वेटिंग हॉल बड़ा बनाया जाए। ये मिट्टी है यहाँ पे रोड़ी पर ईंट सीमेंट की जो छोटी छोटी ईंटें चलती है वो कुछ भी ऐसी बना के पूरा पार्किंग को ऐसे बढ़िया बना, हम यही सरकार से यही विनती है बस।
पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।